दुनिया का एक ऐसा कब्जा किया हुआ देश जहां इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहां के लोग शायद ही कभी नहाते होंगे। और क्या आपको पता है कि तिब्बत के ऊपर से कभी कोई प्लेन नहीं गुजरती? पर क्यों? इसके पीछे एक खतरनाक सच्चाई छुपी है। और यह देश इतना खूबसूरत है कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्वर्ग भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम चाइना द्वारा कब्जा किया हुआ देश तिब्बत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिसको देखने के बाद आप कहेंगे क्या गजब का देश है और इस देश में एक बार जरूर जाना चाहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर वर्ल्ड टू गो। जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि तिब्बत हमारे भारत के ऊपर और चाइना के नीचे बसा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसका क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है और तिब्बत की राजधानी ल्हासा है और इस देश की प्रमुख भाषा तिब्बती है जो कि हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है तथा यहां की कुल जनसंख्या 31,80,000 के आसपास है। अगर किसी को पृथ्वी का स्वर्ग देखना है तो तिब्बत में स्थित एक झील लेक नामत्सो एक बार जरूर जाना चाहिए। यह इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है कि आप भी कहेंगे कि ऐसी जगह किसी जन्नत का दूसरा नाम ही हो सकता है। यहीं पर तिब्बत की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है और संसार के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार नामत्सो भगवान इंद्र की पुत्री थी जिसके दाएं हाथ में एक वीरियम तथा दूसरे हाथ में सीसा है। पर अब तिब्बत एक देश नहीं है। इस देश पर सन 1950 में चाइना ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया और यही वजह है कि यहाँ पर चाइना द्वारा नरसंहार होता रहता है जिसमें हजारों तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसकी वजह से तिब्बत के भगवान माने जाने वाले दलाई लामा आज भारत के धर्मशाला में शरण लिए हैं। पर क्या आपको पता है कि भारत ने जब दलाई लामा को शरण दिया तो उसके 3 साल बाद चाइना ने बदले के लिए 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया जिसमें भारत की कमजोर सत्ता की वजह से जीत चाइना की हुई। क्या आप जानते हैं कि तिब्बत कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था जहां पर आज भी हिंदुत्व के बहुत से चिन्ह तिब्बत में मौजूद हैं, जैसे कि भगवान शिव शंकर का निवास पर्वत कैलाश और मानसरोवर झील भी तिब्बत में ही मौजूद है जिसके लिए हमें बहुत से पैसे चाइना को देने पड़ते हैं और हमें कैलाश पर्वत जाने के लिए चाइना से इजाजत भी लेनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि कभी कोई हवाई जहाज तिब्बत के ऊपर से नहीं गुजरता? दरअसल बात यह है कि तिब्बत दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला में से एक माना जाता है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें से एक तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर स्थित माउंट एवरेस्ट है। दरअसल बात यह है कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और हवा का दबाव भी कम हो जाता है, इसलिए कोई भी जहाज तिब्बत के ऊपर से नहीं गुजरती। तिब्बत के लोग बड़े ही धार्मिक होते हैं। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग सदियों से चले आ रहे रीति रिवाज और आदर सम्मान को ही मानते हैं। यहाँ के लोग मेहमानों को पूर्ण सम्मान देते हैं। अगर आप तिब्बती के किसी भी लड़की के घर चले जाएं, तो लोग आपको शक की नजर से नहीं देखते, वरना अपने यहाँ तो खैर आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं, भारतीय लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। उनका मानना है कि काश तिब्बत और भारत एक हो जाते। क्या आपको पता है कि पूरे तिब्बती या फिर बौद्धिस्ट लोगों का एक राजा यानी कि नेता होता है जिसको दलाई लामा कहते हैं और दलाई लामा का चुनाव वंश के हिसाब से होता है। दलाई लामा मरते हुए ये बात बताता है कि उसका अगला जन्म किस जगह पर होगा और उनमें से कौन कौन से गुण उसके अंदर विद्वान होंगे। और अभी वही दलाई लामा आज भारत के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। क्या आपको पता है कि तिब्बतियों की चाय बहुत अजीब होती है और यहाँ की चाय दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि यह चाय नमक और मक्खन से बनाया जाता है। इस चाय को तिब्बती बहुत शौक से पीते हैं। आपको ये बात जानकर बहुत अजीब लगेगा कि तिब्बत में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ के लोगों को नहाने के लिए पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये लोग कई कई महीने नहीं नहा पाते। यहाँ पर सर्दियों में तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी का स्रोत तिब्बत के पास है क्योंकि तिब्बत से करीब 1 अरब से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलता है क्योंकि एशिया की 6 बड़ी नदियाँ जिसमें से ब्रह्मपुत्र और सिंधु तिब्बत से ही होकर आती हैं और पूरा तिब्बत खूबसूरत पहाड़ों और नजारों से भरा पड़ा है और यही नजारों को देखने के लिए बहुत से सैलानी यहाँ पर आते हैं। दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजूबा पटोला पैलेस जिसको वर्ष 637 में बनाया गया था, यह तिब्बत की राजधानी ल्हासा में ही स्थित है जिसको देखने के लिए सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म पानी का झरना तिब्बत के यांगबाजिंग शहर में स्थित है? आकाश को छूते गर्म
एवं ठंडे पानी का बहाव एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य पैदा करता है। और यहीं से कुछ दूरी पर एक ड्रैगन किंग वैली है जिसे लुलांग वन पठार कहते हैं। यहाँ के जंगल दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों, यदि चाइना द्वारा कब्जा किया हुआ देश तिब्बत के बारे में कुछ जबरदस्त फैक्ट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस देश पर देखना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो माफ करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।